दोस्तों ये कहानी है एक मिटियोर की जो लोगों को शक्ति प्रदान करता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मिटियोर पृथ्वी की ओर आ रहा है और सभी सीन चेंज हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है ओल जो कि एक बड़ी सी शिप में माल लेने के लिए आया हुआ था। शिप पर एक बंदा था जिसका नाम था वेलेरा। वेलेरा उसे कहता है कि क्या तुम एक टन माल लेकर जा सकते हो, मगर ओल की बोट का ओनर कहता है कि हमारी बोट सिर्फ 600 किलो वजन का ही माल लेकर जा सकती है, मगर ओल बोट के ओनर को 10,000 एक्स्ट्रा देने की बात करता है, मगर फिर भी बोट का ऑनर नहीं मानता। मगर फिर ऑल वेलेरा को फोन करके कहता है कि तुम हमारी बोट पर एक टन माल चढ़ा दो और कह देना कि ये सिर्फ 600 किलो है। वो वैसा ही करता है और जैसे ही एक टन माल बोट पर चढ़ता है वो बोट टूट जाती है और सारा माल भी डूब जाता है। जैसे तैसे करके बोट का मालिक और ऑल अपनी जान बचाते हैं, जिसके बाद टूटी हुई बोट की भरपाई करने के लिए ऑल अपनी कार के बदले बोट ओनर की कार ले लेता है। वो देखता है कि बोट ओनर की गाड़ी एकदम खटारा है, मगर पैसे भरने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। अगले सीन में ऑल अपनी बचपन की दोस्त स्वेतलाना के पास जाता है जो बैंक में काम करती है। वो स्वेतलाना से प्यार करता है और स्वेतलाना भी उसे पसंद करती है और वो स्वेतलाना से कहता है कि मुझे $1 million का लोन चाहिए, जिस पर स्वेतलाना कहती है कि तुम्हें $1 million नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हें उसके लिए कुछ चीज गिरवी रखनी होगी या किसी की गारंटी हमें चाहिए होगी, जिस पर ऑल कहता है कि मेरे पास कोई भी चीज नहीं है जो मैं गिरवी रख सकूं। पर स्वेतलाना उसकी बचपन की दोस्त होती है और वो कहती है चलो मैं तुम्हें अपने डैड के पास लेकर चलती हूँ और वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो स्वेतलाना ऑल की गाड़ी में बैठकर उसे अपने घर लेकर जाती है और स्वेतलाना की फैमिली को हम पहली बार देखते हैं। तो स्वेतलाना की फैमिली बहुत बड़ी है और इस फैमिली में हर एक फैमिली मेंबर के कुछ ना कुछ ड्रीम्स यानी कि सपने हैं। जैसा कि स्वेतलाना के पापा का सपना है कि सभी लोग एक साथ रहें और उसके भाई का सपना है कि वो आर्मी में जाए, मगर उसे अस्थमा की बीमारी है और उसकी बहन एक आर्टिस्ट बनना चाहती है। घर की सबसे छोटी बेटी जल्दी से जल्दी बड़ी होना चाहती है ताकि वो सभी काम कर सके। तो इसके बाद ऑल स्वेतलाना के पापा से बात करता है। वो कहता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए जिससे मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा और मैं आपको थोड़ा बहुत कमीशन दे दूंगा, जिस पर स्वेतलाना के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ऑल को बातें सुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे जैसे लोगों का फायदा उठाते हैं। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो मिटियोर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और वो मिटियोर स्वेतलाना के घर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके घर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और सभी लोग घर से भागना शुरू कर देते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि ऐसे बहुत से मिटियोर शहर में गिर रहे हैं। और फिर स्वेतलाना अचानक से घर के अंदर भागती है। उसको याद आता है कि दादाजी तो अंदर ही है और फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और दादाजी को निकालते हैं और फिर ऑल सबसे कहता है कि जल्दी से जल्दी मिटियोर को निकालो ताकि हम इसे बेचकर पैसा कमा सके। ऑल की बात से सभी सहमत हो जाते हैं और मिटियोर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता और थकान की वजह से वो सभी लोग सो जाते हैं, मगर ऑल जगा रहता है और मिटियोर को ढूंढना जारी रखता है और ऑल को मिटियोर मिल भी जाता है। तभी दादाजी ऑल को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने का समय आ चुका है और ये बात कहकर दादाजी मर जाते हैं। और ऑल सोच में पड़ जाता है कि ये सब बात मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा। तभी ऑल स्वेतलाना के कमरे में जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर स्वेतलाना नहीं उठती। तभी वहां पर स्वेतलाना का भाई आता है और उनको बताता है कि जो मिटियोर ऑल ने निकाला था वो पिघल कर लिक्विड बन गया है और गलती से स्वेतलाना के पापा से वो जमीन पर गिर गया और जैसे ही वो लिक्विड बनकर घर में फैला तो सभी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग शक्तियां मिल गई। जैसा कि घर की सबसे छोटी बेटी में बहुत शक्ति आ जाती है और वो बड़ी से बड़ी चीज को उठा लेती है और आसानी से मोड़ भी देती है, और घर की बड़ी बेटी में उड़ने की पावर आ जाती है और स्वेतलाना के पास गायब होने की शक्ति आ जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं।
और सभी को पता चलता है कि उनकी शक्तियां जब ही काम करती हैं जब घर के सभी फैमिली मेंबर एक साथ होते हैं। अगर वो 20 मिनट के दायरे से बाहर रहे तो उनकी शक्तियां काम नहीं करेगी। और फिर ऑल घर की दोनों बेटियों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उनका बॉडी चेकअप करवाता है और डॉक्टर से पूछता है कि इनकी बॉडी में कोई चेंज तो नहीं आए, मतलब ये बिल्कुल फिट है ना। और डॉक्टर कहता है ये बिल्कुल फिट है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। और फिर सभी रात को बैठकर डिनर कर रहे थे तभी ऑल उनसे कहता है कि हमें इन शक्तियों का कुछ इस्तेमाल करके पैसे कमाने चाहिए, मगर श्वेतलाना के पापा उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तभी वहां पर श्वेतलाना का भाई आता है और कहता है कि मुझे अपनी शक्तियों का पता चल गया है। वो कहता है कि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। इसके बाद ऑल चीजों को मोड़ना शुरू करता है। वो सोचता है कि सभी को शक्तियां मिल गई पर मुझे नहीं मिली। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि श्वेतलाना के पापा जो बाथरूम में थे वो अचानक से बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और पता चलता है कि वो ट्रेवल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद श्वेतलाना के पापा सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर एक बड़े से तालाब के किनारे पर ले जाते हैं और यहाँ सभी लोग अपनी शक्तियों को आजमा रहे थे। और तभी ऑल श्वेतलाना से कहता है कि क्यों ना हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करके बैंक लूटें, क्योंकि उनके सर पर बहुत सारा कर्जा था और उसके दिमाग में ऐसी बातें आ रही थी। और श्वेतलाना को उसकी ये बात पसंद नहीं थी, जिसके बाद गुस्से में वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और श्वेतलाना भी उसका पीछा करती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और तभी वो दोनों वहां से निकलते हैं तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। ये गाड़ी वेलरा की होती है जिसके ऑल को पैसे देने थे। वेलरा ऑल के पास आता है और अपने पैसों के बारे में पूछता है। ऑल उनसे एक हफ्ते का वक्त मांगता है और वेलरा ऑल से कहता है कि अगर तुमने एक हफ्ते में मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी किडनी निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। ये सभी बातें श्वेतलाना ने सुन ली थी और वो बैंक लूटने के लिए राजी हो जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में श्वेतलाना और ऑल श्वेतलाना के पापा को एक बड़े से बंगले में लेकर जाते हैं ताकि उनके मन में कुछ लालच आए और वो बैंक लूटने के लिए राजी हो जाए, मगर श्वेतलाना के पापा मना कर देते हैं। और फिर श्वेतलाना अपने पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा पर मुझे ये बंगला चाहिए और आप बैंक लूटकर हमारी मदद करेंगे ताकि हम ये बंगला ले सके, जिस पर श्वेतलाना के पापा मान जाते हैं। और फिर सभी लोग घर पर आ जाते हैं। श्वेतलाना के पापा सभी फैमिली मेंबर को इकट्ठा करते हैं और बैंक लूटने के बारे में कुछ डिटेल उन्हें देते हैं। और फिर ऑल उन सबको बताता है कि हम सभी को गाड़ी में बैठना है और सारा काम श्वेतलाना अकेले कर देगी क्योंकि वो गायब होकर पैसे बाहर ले आएगी और सभी का काम आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ऑल को एक पार्क में देखते हैं जो कि एक कप को बिना छुए उठाने की कोशिश करता है और वो कप हवा में उठ भी जाता है और उसको लगता है कि मेरे अंदर शक्तियां आ गई हैं, मगर वो कप श्वेतलाना ने उठाया था जो गायब थी। और फिर अगले दिन सभी परिवार वाले ऑल से कहते हैं कि हमें अपनी पावर लोगों को दिखानी चाहिए, जिस पर ऑल मना कर देता है और कुछ देर बाद मान भी जाता है क्योंकि उनको उनकी मदद चाहिए थी बैंक लूटने में। और फिर वो एक थिएटर में जाते हैं और एक फिल्म डायरेक्टर को अपनी पावर्स दिखाते हैं ताकि वो फिल्म में काम करके अच्छे पैसे कमा सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल को भी पता चल जाता है कि उसके पास कौन सी शक्ति है। ऑल अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। और फिर इसके बाद वो एक फ्यूनरल एजेंट के पास जाता है क्योंकि दादाजी चाहते हैं कि उनकी फ्यूनरल एकदम शानदार हो। जिसके बाद ऑल श्वेतलाना और घर की छोटी बेटी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहां कुछ लोग आकर ऑल को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिस पर छोटी लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से उन लोगों को खूब पीटती है। फाइनली अब बैंक लूटने का दिन आ चुका था और सभी लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और बैंक के सामने गाड़ी रोक देते हैं। सभी लोगों को पता है कि सारा काम श्वेतलाना को करना है क्योंकि वो गायब हो सकती है। और जैसे ही वो गायब होती है उसके कपड़े दिख रहे होते हैं। वो एक एक करके अपने कपड़े उतार देती है और बैंक लूटने के लिए अंदर चली जाती है और सारे कोड और पासवर्ड को जान लेती है। और बाहर फैमिली मेंबर्स गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे, मगर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनकी गाड़ी को आगे करने को कहती है और उनकी गाड़ी आगे होती जाती है,
जिससे उनका 20 मीटर का दायरा ज्यादा होता जाता है और स्वेतलाना अंदर दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी पावर तभी काम करती है जब सभी फैमिली मेंबर्स 20 मीटर के दायरे में होते हैं। तभी ऑल सभी फैमिली मेंबर्स को 20 मीटर के दायरे में लेकर आता है और स्वेतलाना फिर से गायब हो जाती है। मगर पुलिस की वजह से स्वेतलाना बिना पैसा लिए बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उनकी गाड़ी को पुलिस वाले रोक देते हैं और डर की वजह से स्वेतलाना के पापा वहां से ट्रेवल कर जाते हैं अपनी शक्ति से, मगर पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं कहते। तभी स्वेतलाना के पापा स्वेतलाना को फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं ट्रेवल की वजह से कहां पर आ गया हूं। और तभी पुलिस वाले अपनी गाड़ी को पीछे से खोलते हैं। वहां पर स्वेतलाना के पापा होते हैं जो ट्रेवल की वजह से पुलिस वाले की गाड़ी में चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और ऑल सभी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि हम ऐसे बैंक नहीं लूट सकते कभी भी। और तभी स्वेतलाना की बहन कहती है कि आज मेरा थिएटर में शो है, जिस पर ऑल कहता है कि हम सभी का माइंड थिएटर शो की तरफ करते हैं और रात को बैंक लूट लेंगे। और तभी हमें थिएटर का सीन देखने को मिलता है जहां स्वेतलाना की बहन थिएटर में आए इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहां से उड़कर चली जाती है। तभी स्वेतलाना और ऑल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी वहां पर वेलरा आ जाता है और ऑल को उठाकर ले जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। ऑल थिएटर से बाहर आता है और वो काफी जख्मी हो गया था और फैमिली मेंबर्स को कह रहा था कि तुम कभी भी चोरी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें कितनी भी पावर मिल जाए तुम बेवकूफ ही रहोगे। ये बातें फैमिली मेंबर्स को काफी ज्यादा बुरी लगती हैं। तभी वो ऑल को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं और ठान लेते हैं कि हम चोरी कर ही रहेंगे। सभी लोग बैंक के पीछे वाले गेट की ओर जाते हैं जहां पर स्वेतलाना की बहन उड़कर बैंक की खिड़की पर एक बड़ी सी जंजीर बांध देती है और घर की छोटी बेटी अपने पावर की वजह से उस जंजीर को खींचती है और खिड़की को उखाड़ देती है। और बाकी लोग एक ट्रक लाकर बैंक के सामने खड़ा कर देते हैं जिससे अगर पुलिस आए तो उसको अंदर आने में मुश्किल हो। इन सब के बाद घर की छोटी बेटी सभी बैंक के लॉकर को उठा लेती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है और फिर सभी लोग लॉकर को गाड़ी में रखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और स्वेतलाना का भाई अपने कुत्तों को लेकर वहां पहुंच जाता है और वो कुत्ते पुलिस वालों पर वार कर देते हैं जिससे पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती और वो सब वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। और धीरे धीरे सुबह हो जाती है और वो शहर से काफी दूर आ चुके होते हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि मेरे मरने का समय आ चुका है और मुझे तुम यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दादाजी अगर उनके साथ रहते तो कभी नहीं मरते, क्योंकि उनके अंदर भी एक पावर थी और वो पावर थी अगर वो अपने परिवार के पास रहेंगे तो वो कभी भी नहीं मरेंगे, मगर जैसे ही वो अपने परिवार से अलग होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और वो दादाजी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और दादाजी की मृत्यु हो जाती है। तभी स्वेतलाना कहती है कि हमें दादाजी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी ऑल कहता है कि हम वहां पर वापस नहीं जाएंगे। ये बात स्वेतलाना को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो ऑल के हिस्से के पैसे उसे दे देती है और गाड़ी से उतरने को कहती है। वो गाड़ी से उतर जाता है और उतरते ही ऑल वेलरा के पास जाता है और उसके $1 million उसे दे देता है और बाकी बचे पैसों को लेकर वो दूसरे देश जाने की सोचता है, मगर पैसे बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पर फंस जाता। ऑल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से बचने के लिए वो सभी पैसे अपने शरीर पर टेप के द्वारा बांध लेता है और फिर ऑल अपनी फ्लाइट का इंतजार करता है। तभी वो टीवी में देखता है कि स्वेतलाना के परिवार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वेतलाना के परिवार को पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा। दोस्तों, हुआ ये था कि वो दादाजी की डेड बॉडी को लेने एजेंट के पास गए थे जिन्होंने उनके फ्यूनरल के लिए उन्हें पैसे दिए थे और वो उस एजेंट से कहते हैं कि हमें दादाजी की डेड बॉडी चाहिए, पर वो एजेंट मना कर देता है, जिस पर स्वेतलाना के पापा कहते हैं कि हम आपको $1 million देंगे और वो एजेंट डेड बॉडी देने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर एजेंट को शक हो जाता है उन पर और वो पुलिस वालों को बता देता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये वही परिवार था जिन्होंने बैंक लूटा है। तभी ऑल उस एजेंट के पास जाता है और दादाजी की डेड बॉडी को लेकर आता है और दादाजी की डेड बॉडी जैसे ही परिवार के संपर्क में आती है वो जिंदा हो जाते हैं और सभी कोर्ट वाले देखते हैं कि दादाजी तो अभी जिंदा है। तभी सभी लोगों की शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो कोर्ट में हंगामा कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
वहां से भागते ही उन्हें बाहर पुलिस मिलती है और पुलिस बंदूकें तान कर उनके सामने खड़ी थी। तभी घर की बड़ी बेटी उड़ना शुरू कर देती है और उसे उड़ता देख पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उनका ध्यान उस पर ही रहता है, जिसका फायदा उठाकर सभी फैमिली मेंबर वहां से भाग जाते हैं। और तभी वेलरा उनकी मदद करता है और उनको कंटेनर की सहायता से उन्हें चाइना भेज देता है और इसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।